स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। सो टुडे वी आर अगेन हियर विद अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम डिसम्बर 2016 क्वेश्चन पेपर फॉर 3 मार्क्स। दैट मीन्स इट इज अ सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन एंड वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन आंसर फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस। ओके, सो इट इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक वैक्टर स्पेस। सो वट इज द क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर फोर इज द बेसिस ऑफ आर फोर? ओके, so we have b1 b2 and b3 three sets and we have to tell that which of the following subsets of r4 is a basis of r4। so sabse pehle main baat karta hu ki standard jo basis hota hai mere paas, standard basis of r4 wo hamare paas kya hota hai, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1। okay, and one more thing I would like to tell you about basis, that basis is a maximal Li set, maximal Li set। okay, so b1 b2 और b3 जो है इसमें अगर हम सिर्फ ये चेक कर लें कि इसमें से अगर कोई हमारा Li हुआ तो वो obviously maximal होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, R4 है। वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, R4। और बीटा 1 बीटा 2 जो बीटा 3 है, इन तीनों में ही हमारे पास 4 एलिमेंट्स। अगर इनमें से कोई भी सेट Li हुआ तो हमारा बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 जो है, जो भी Li होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बेसिस हो जाएगा। ठीक है, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। सो Li चेक करने के बहुत मेथड आपके पास। हम यहाँ डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लेते हैं। सो बीटा 1 के लिए जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, इसको हम लिख लेंगे कॉलम में। सो 1 0 0 0 एंड सेकंड सिमिलरली 1 1 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। सो डिटर्मिनेंट आप क्लियरली इसका देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायगनल से नीचे सभी जीरो हैं। सो डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका देखूं तो बीटा 1 का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बीटा 1 ही मैट्रिक्स का नाम दे दिया, जबकि बीटा 1 यहाँ सेट था। ठीक है, तो जो बीटा 1 है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ये क्या है, नॉन जीरो, यानी कि ये क्या है, Li। तो जो बीटा 1 है वो क्या है, मैक्सिमल Li सेट, सो इट विल बी अ बेसिस फॉर R4। सिमिलरली बीटा 2 और बीटा 3 के लिए आप चेक कर सकते हो। बीटा 2 आपका क्या है, 1 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 एंड 1 2 3 4। सो सिमिलरली ये सभी डायगनल पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो बीटा 2 जो है आपका, उसके लिए डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो इन सबका मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 4 = 24, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। सो बीटा 2 विल बी अ मैक्सिमल Li सेट, दैट मीन्स इट विल बी अ बेसिस फॉर R4। सो लास्ट बीटा 3, सो वट विल बी द डिटर्मिनेंट, लेट अस सी, 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -5 5 0 0। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ 1 2 0 0 2 1 0 0 -5 5 0 0, तो शायद ये तीनों जो है आपस में एल डी हमारे बन सकते हैं यहाँ से। तो हम यही अप्रोच जो है लगाने की कोशिश करते हैं। और देखो दिख भी रहा है कि ये जो वैक्टर है आपका, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ओके, और ये जो वैक्टर है इसको अगर मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 5 × -10 दैट विल बी -5, 10 - 5 दैट विल बी +5, 0 0 0 0। सो ये हमारे पास जो है फोर्थ एलिमेंट, यानी कि ये वेक्टर हमारे पास आ गया, यानी कि इन दोनों से ये जो है एलिमेंट स्पैन हो सकता है। दैट मींस ये तीनों वेक्टर जो है Ld हैं, तो ये जो है Ld होगा कंप्लीट, Li नहीं होगा। तो हमें बताने थे मैक्सिमल Li, क्योंकि यही हमारा बेसिस होता है। सो बीटा 1 एंड बीटा 2 विल बी अ बेसिस फॉर R4, हेंस व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बीटा 1 एंड बीटा 2, नॉट बीटा 3। ओके, सो फर्स्ट इज बीटा 1 एंड बीटा 2 बट नॉट बीटा 3। सो ये करेक्ट है हमारा, और सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इसको आप डायरेक्ट इस तरह से देख सकते हो, कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ जो कि वेक्टर स्पेस से हम लेंगे। ओके, थैंक यू।